हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि है एक्टिव डायरेक्टरी तो आज का टॉपिक है एक्टिव डायरेक्टरी एंड ओवरव्यू तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि एक्टिव डायरेक्टरी है क्या तो एक्टिव डायरेक्टरी आपके यूजर्स का ग्रुप्स का सर्विसेज का रिसोर्सेज का एक डेटाबेस है यानी कि जो भी यूजर्स एंड ग्रुप्स होंगे जो सर्विसेज होंगी और जो रिसोर्सेज जैसे कि आपके शेयर्ड फोल्डर्स हों प्रिंटर्स हों इन सबका एक डेटाबेस एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी कहलाती है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी, और इन सभी को एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है यानी कि ये जो यूजर्स एंड ग्रुप्स हैं सर्विसेज हैं या रिसोर्सेज हैं हर एक चीज एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट कहलाती है और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हमारे एक्टिव डायरेक्टरी कहलाती है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आपके नेटवर्क में ऑथेंटिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो ऑथेंटिकेशन का मतलब है प्रूविंग योर आइडेंटिटी जब भी आप किसी एंटरप्राइज नेटवर्क में लॉग इन करते हैं यानी कि वो नेटवर्क अगर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क को यूज कर रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर क्लाइंट कॉन्फिग्रेशन को यूज कर रहा होगा बड़े नेटवर्क में तो उस समय आप एक्टिव डायरेक्टरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसको लॉग इन रिक्वेस्ट बोलते हैं और सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करता है कि ये जो कंप्यूटर पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया गया है ये उसके डेटाबेस के यूजर नेम और पासवर्ड से मैच करता है कि नहीं करता अगर ये पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड मैच कर जाता है एक्टिव डरेक्ट्री डेटाबेस से तो सर्वर उस यूजर को परमिशंस देता है और राइट्स देता है कि वो एक्टिव डायरेक्ट्री में या नेटवर्क में क्या क्या रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है तो इस वीडियो का जो हमारा एम है वो यही है कि एक्टिव डायरेक्ट्री है क्या बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन है कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या चीज है तो एक्टिव डायरेक्टरी एक डेटाबेस है एक रिपोजिटरी है एक सेंट्रलाइज डेटाबेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम इसको बोल सकते हैं और एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है हमारे माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क में एक और मैं खास बात बता दूं यही एक्टिव डायरेक्टरी को सर्वर 2008 में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज या एडीडीएस के नाम से भी जाना जाता है अगले वीडियोस में हम इस एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग